दोस्तों आज मैं इस बॉक्स का एक सेकेंड और इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि इस बॉक्स में क्या है? मुझे पता है कि आप थंबनेल देख के आइडिया लगा लिए होंगे कि भाई इस बॉक्स में इन दोनों बॉक्स में लाइट्स हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये पूरा लाइटिंग सेटअप है जो कि हॉलीवुड बॉलीवुड में इसका इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत MRP जो है वह 45,000 रुपीस, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करेंगे तो थोड़ी बहुत कम में मिल सकता है। खैर, इसके अंदर जो लाइट्स है उसे देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो बिना वक्त जाया किए इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लाइटिंग सेटअप है ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, और ये जो ब्लर देख रहे हैं इसमें एड्रेस है इसलिए मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें कार्टून के छोटे छोटे दो पीस हैं, इसे एज अ सेफ्टी के लिए रखा गया है ताकि बॉक्स जो है वो सेफ रहे, ट्राइपॉड जो है सेफ रहे। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्टैंड्स हैं इसे हम ट्राइपॉड भी बोलते हैं। सिम्पैक्स प्रीमियम लाइट स्टैंड मार्क 3 इटालियन लॉक, इसमें जो लॉक दिया हुआ है वो इटालियन है, मतलब इटालियन लॉक बोला जाता है। चलिए अब इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, लुक जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। अब हम दूसरा निकालते हैं। दोस्तों ये जो है वो बीच वाला है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा तभी आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आने वाला। जो सर के ऊपर जो लाइट रखा जाता है ताकि शेडो ना हो, तो वही सॉफ्ट बॉक्स जो लाइट है उसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए, बैलेंस बना के रखने के लिए इसका यूज़ होता है। आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए अब हम इसे साइड करते हैं, और ये तीसरा ट्राइपॉड है, इसे भी हम फटाक से अनबॉक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने बहुत सारे सीन्स लिए ही नहीं है। जैसे 3 सॉफ्ट बॉक्स है तो मैंने एक ही सॉफ्ट बॉक्स का रिकॉर्ड किया है, तो फालतू में एक ही चीज़ को बार बार क्यों दिखाना जबकि तीनों चीज़ सेम है। तो चलिए हम सॉफ्ट बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सिम्पैक्स प्रो HD LED 5 125 वॉट, और पिक्चर जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसमें कॉर्ड देखने को मिलता है, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सॉफ्ट बॉक्स का कॉर्ड है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यही सॉफ्ट बॉक्स है, इसी में लाइट को लगाया जाता है, और ये साइकिल के स्कोप की तरह दिख रही है ऊपर में, ये समझिए कि सॉफ्ट बॉक्स का स्कोप है, लेकिन ये स्कोप बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और ये जो देख रहे हैं आप व्हाइट कलर का, अम्ब्रेला लाइटिंग सेटअप में बटर पेपर का यूज़ होता है, लेकिन सॉफ्ट बॉक्स में ये वाला यूज़ होता है, ये क्लोथ की तरह है जो कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, चलिए अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। दोस्तों यही है सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स को बनाने के लिए जो मैंने स्कोप की बात कही है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लगाना, मतलब लगता ही नहीं है जल्दी। खैर, इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिला है। ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे होल्डर्स मिल जाते हैं, 5 होल्डर्स है जिसमें आप बल्ब लगा सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि होल्डर्स और बल्ब के ऊपर वाले एरिया में थ्रेडिंग है जिसमें बल्ब को आसानी से लगाया जा सके और वो टाइट रहे, एकदम गिरे नहीं या फिर हिले नहीं। दोस्तों ये 5 बल्ब हैं जो कि हम इसे भी लगाएंगे, और ये हो गया डब्बा खाली। चलिए अब हम सॉफ्ट बॉक्स को असेंबल करते हैं। दोस्तों ये असेंबल करना काफ़ी टफ हो जाता है, इसका जो स्कोप है वो जल्दी लगता ही नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो चलिए पहले हम लाइटिंग किट को लगा लेते हैं, उसके बाद स्कोप लगाएंगे। पहले हम एरो की तरफ लगा के उसके बाद हम ये स्कोप लगाएंगे। इसे सीक्वेंस में लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से पूरा लगाएं। अगर आप सीक्वेंस में लगाएंगे तभी आप आसानी से लगा पाएंगे, नहीं तो बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है और कोई आइडिया नहीं है कि वो लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो सीक्वेंस जो है यानी एक कोना से दूसरे कोना, फिर तीसरे कोना से चौथे कोना, ये हो गया सीक्वेंस। तो चलिए हम जल्दी से स्कोप लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बल्ब लगाएंगे। तो स्कोप लग गया दोस्तों, अब हम बल्ब लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बल्ब और होल्डर में थ्रेडिंग है, तो इसलिए मूव करके राउंड एंड राउंड करके इसे लगाया जाता है।
ये देखिए दोस्तों लग गया, और पीछे में जो है वो कॉर्ड लगाने के लिए दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों। चलिए अब हम इसे जलाने के लिए रेडी करते हैं। दोस्तों तीनों लाइट किट को स्टैंड पर रखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये तीनों सॉफ्ट बॉक्स है, लाइटिंग सेटअप है। दोस्तों ये जो लाइट्स है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्रोमा की के लिए परफेक्ट है, बट ब्लैक स्क्रीन जो है आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे तो वो ग्रीन स्किन बेस्ट होता है एज अ क्रोमा की के लिए। और जो मैं बोल रहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा, यही वाला चीज़ है, इसमें मैंने ईट रखा हुआ है बैलेंस बनाने के लिए, नहीं तो वो गिर जाएगा, बीच वाला जो सॉफ्ट बॉक्स है वो गिर जाएगा। ईट या फिर कोई भारी सामान उसमें नहीं रखा तो। और दोस्तों ये जो झिलमिल झिलमिल कर रहा है ये रियल में नहीं करता, वो बस कैमरे में कर रहा है, मतलब फ़ोन का जो कैमरा है वो फोकस नहीं रहने के कारण वो करता है। और ये जो लाइट्स है इसको ऐसे नहीं रखा जाता है, इसको पोजिशनिंग करके रखा जाता है, तब ये चेहरे पे पूरी बॉडी पे प्रॉपर वे में लाइट पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, बॉडी पे और फेस पे प्रॉपर वे में लाइट है, ताकि क्रोमा की को इजिली यूज़ किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।